हमारा इस्लाम एंड नर्सिंग। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम्स इन अरब नर्सिंग इज रफायदा बिन साद अल इस्लामिया, द फर्स्ट नर्स इन द इस्लामिक एंड ईस्टर्न वर्ल्ड। तो बेसिकली ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि जो फर्स्ट इस्लाम में नर्स है उनका नेम बताएं। तो ये क्लियर आपके माइंड में चाहिए कि रफायदा बिन साद अल इस्लामिया जो फर्स्ट नर्सिंग थी इस्लाम में, और ये अरब की भी फर्स्ट नर्स आप इसको कह सकते हैं, और ईस्टर्न वर्ल्ड की भी ये फर्स्ट नर्स हैं। ठीक है, तो रफायदा अकम्पेनाइड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ड्यूरिंग हिज वार्स, पार्टिसिपेटिंग इन मैनी बैटल्स सच एज बदर, ओहद हैं, और ईस्टर्न वर्ल्ड की भी ये फर्स्ट नर्स हैं। ठीक है, तो रफायदा अकम्पेनाइड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम ड्यूरिंग हिज वार्स, पार्टिसिपेटिंग इन मैनी बैटल्स सच एज बदर, ओहद, खंदक, खैबर एंड अदर्स। तो ये रफायदा बिनते साद अल इस्लामिया थी जो ये फर्स्ट इस्लामिक नर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट जो हमारी इस्लामिक जंगें हुई थी उनको उनमें इन्होंने जो जख्मी वगैरह थे जिनको यानी कि सोल्जर्स वगैरह थे उनको इन्होंने जो हेल्थ केयर प्रोवाइड की थी उसमें। शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द वाउंडेड एंड डाइंग सोल्जर, एस्टेब्लिशिंग अ फील्ड हॉस्पिटल दैट हैड अ सिस्टम ऑफ मूवेबल टेंट्स टू असिस्ट द वाउंडेड एंड डिजीज्ड वेरियर्स। उन्होंने बेसिकली एक मूवेबल टेंट्स के ऊपर रिलाई किया था। ठीक है, एक अपनी टीम बनाई हुई थी जो ये नर्सिंग हेल्थ केयर जो प्रोवाइड करती थी। ठीक है, और ये टेंट्स मूव करते थे जहाँ पर ज़रूरत होती थी सोल्जर्स वगैरह को। ठीक हो गया, उन्होंने जो बेसिक फोकस किया था वो हाइजीन और इन्वायरमेंट पे फोकस किया था, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था उन्होंने। ठीक हो गया, इसके अलावा शी आल्सो लेड अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर फीमेल नर्सेज ड्यूरिंग वार्स, यानी कि उन्होंने जो वॉलंटियर्स फीमेल नर्सेज थी उनको लीड भी किया था जंग के दौरान। ये इस्लाम एंड नर्सिंग अभी आगे जा रहा है। यही जो आपने मैंने पीछे आपको बताया रिफायदा बिन साद बिन इस्लामिया थी वही आगे डिस्कस हो रहा है कि शी वॉज एन एडवोकेट फॉर द हेल्थ केयर। उन्होंने एज अ एडवोकेट, जी आवाज़ आ रही है मेरी सबको क्लियर? ये लड़की चले उनका शायद कोई नेट इशू है आपका फिजा, तो इसलिए आपको शायद आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। तो जो रिफायदा थी उन्होंने डिजाइन कोर्स ऑफ एथिक्स फॉर नर्सिंग एंड मेडिकल केयर। उन्होंने बेसिकली हेल्थ एजुकेशन और डिजीज प्रिवेंशन में अपना रोल प्ले किया था और कोड ऑफ एथिक्स भी इंट्रोड्यूस कराए थे। तो स्टूडेंट्स अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि फिर आगे चले जाएंगे, फिर वो क्वेश्चन क्लियर करके ही आगे जाना है हमने। हाँ जी, रफायदा वाज अ पायोनियर इन नर्सिंग इन हर ईरा। ये पायोनियर होते हैं जिस तरह यानी कि एक रहबर होते हैं नर्सिंग की अपने दौर की, वो कह रहे हैं एक रहबर थी नर्सिंग की फील्ड में। ठीक है, सेंस शी रिसीव्ड हर क्लिनिकल एक्सपर्टाइज फ्रॉम हर फादर हु वाज अ फिजिशियन। वो कह रहे हैं कि उनके जो वालिद थे, तो जो उनके वालिद थे वो कह रहे हैं वो फिजिशियन थे, तो उन्होंने बेसिकली अपना जो नॉलेज था मेडिकल की फील्ड का उन्हीं से हासिल किया था। उन्होंने शी इस्टेब्लिश्ड अ स्कूल वेयर शी टाट मुस्लिम वुमेन नर्सिंग, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर। उन्होंने एक नर्सिंग स्कूल इस्टेब्लिश किया था जिसमें उन्होंने मुसलमान खवातीन को फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर के लिहाज से ट्रेन किया था। दिस स्कूल वाज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल इन द मिडल ईस्ट। यही स्कूल था जो मिडल ईस्ट में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया,